इन दिनों उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके पर्यटकों से गुलजार है। एक तरफ जहां मैदानी इलाके गर्मी से झुलस रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों में मौसम अभी भी सुहाना ही है। देखा जाए तो उत्तराखंड में मशहूर हिल स्टेशनों में भीड़ के कारण शांति की तलाश में आए सैलानी हताश हो रहे हैं। नैनीताल मसूरी जैसे पर्यटक स्थल इन दिनों सैलानियों से भरे हैं। ऐसे में अगर आप शांति में पहाड़ों में कुछ समय बिताना चाहते हैं तो पिथौरागढ़ की शांत और खूबसूरत वादियां आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकती हैं, जहां के ग्रामीण माहौल में आप असली पहाड़ की सभ्यता और खूबसूरती दोनों का आनंद ले सकते हैं। भीड़ से परेशान होने वाले पर्यटक इन दिनों पिथौरागढ़ आ रहे हैं। पिथौरागढ़ जिले में अनेक ऐसे पर्यटक स्थल हैं जो हिमालय से लगे होने के साथ ही बेहद शांत और सुकून भरे हैं, जो पर्यटकों को खूब पसंद आते हैं। यहाँ दारमा वैली मौजूद है जो हिमालय से लगी हुई है, और यहाँ के लोगों ने अपने पारंपरिक घरों में पर्यटकों को होम स्टे की सुविधा भी दी हुई है, जो पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। जहाँ रहकर पर्यटक असली पहाड़ के जीवन से रूबरू हो रहे हैं, तो वहीं हिमनगरी मुनस्यारी चौकोड़ी पिथौरागढ़ रहकर भी सैलानी यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य से काफ़ी खुश हैं। पिथौरागढ़ मुख्यालय पहुंचे पर्यटक श्याम शर्मा ने पिथौरागढ़ को बेस्ट डेस्टिनेशन बताया है, तो वहीं दारमा वैली के होम स्टे में रहकर आए आयुष बताते हैं कि इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता, जहां हिमालय के खूबसूरत नज़ारों के साथ होम स्टे में रहने का सुखद आनंद उन्हें मिला है। मतलब कमाल का है, बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि हम ऐसी जगह जा रहे हैं। और इसका जो है सामने से हम जब देख रहे हैं तो चारों तरफ हिमालय हिमालय दिखाई दे रहा है, और जो है इसका जो है अनबिलीवेबल लुक पिथौरागढ़ में आने वाला टाइम पे फ्यूचर पिथौरागढ़ का, और जो है आने वाले और जो डेवलपमेंट के लिए ये बहुत कारगर होगा, बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। फ्यूचर मतलब टूरिज्म जो है बहुत बढ़ेगा इसके कारण से, और जो जो नए जो है इस टाइप के माइंड के लोग होंगे वो और डेवलप करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। मेरा ख्याल है कि इतनी ऊंचाई पे सबसे पहली बात तो अगर एकोमोडेशन मिल रहा है और जिस तरह का एकोमोडेशन मिल रहा है प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे लोग, बहुत कमाल की बात है, काबिली तारीफ बात है। दूसरी बात ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात भी है कि बड़े होटल्स हो गए या इस तरह के जो हम आम जिंदगी में जो है जहाँ पे रुकते हैं आए हैं, ये तो उससे काफी अलग एक्सपीरियंस है, बहुत होमली एक्सपीरियंस है। देखा जाए तो अब पर्यटकों को ऑफ बीट डेस्टिनेशन पसंद आ रही है, जहाँ वो भीड़ से दूर आराम से कुछ वक्त पहाड़ों में बिताना चाहते हैं, और यही वजह भी है कि पिथौरागढ़ जिला सैलानियों की पहली पसंद बन रहा है। अगर यहाँ सड़कों की स्थिति को मजबूत कर दिया जाए तो पर्यटन कारोबार में इजाफा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज 18 लोकल के लिए।